नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम देखेंगे कि एक जो साधक है, उस साधक को जीवन में सबसे ज्यादा सकारात्मक क्यों रहना चाहिए, या यूं कह दे कि साधक का जो सबसे अच्छा गुण है वो क्या है, तो हम उसे कहेंगे सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक साधक जब तक पॉजिटिविटी को नहीं समझेगा, तब तक वो साधक परेशान रहेगा, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं अतिशय। साधना आपकी सिद्धि नहीं हो रही है, आपको ध्यान मेडिटेशन में कोई अनुभव नहीं है, या आपकी ध्यान साधना अपने चरम शिखर पर नहीं है, तो उसका एक प्रमुख कारण है आपके अंदर पॉजिटिविटी का अभाव, आपके अंदर सकारात्मकता का अभाव। और सकारात्मकता जो है, ये हजारों में लाखों में एक व्यक्ति के पास मिल पाती है, और जब जिसको मिलती उसी वही व्यक्ति साधना पथ पर आगे बढ़ता है। आप देखना, कई लोग साधना नहीं करते लेकिन इतने सकारात्मक होते कि उनको ध्यान की आवश्यकता नहीं है, वो ध्यान ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक व्यक्ति जो 24 घंटे साधना कर रहा है और सकारात्मकता नहीं है, उस व्यक्ति को परेशानी होती रहती है। तो सबसे पहले देखिए, आप सकारात्मक है कि नहीं है, तो इसके कुछ आपको गुण बता देता हूं, उदाहरण या लक्षण बता देता हूं, आप इसी लक्षण समझ जाओगे आप कितने सकारात्मक हैं। अगर आपके मन में किसी की निंदा करने की विचारधारा है, आज भी है, मतलब आप कहीं मिले, आपसे मिले, हमने सबसे पहले उसकी निंदा करना शुरू किया, नहीं वो आदमी तो ऐसे गंदा है। हाँ, वो आदमी गंदा जरूर है, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी तो होगी। जब आप बैठे तो आपने कभी अच्छाई बताई उसकी नहीं, हमने केवल उसकी निंदा, उसके अंदर जो गलत चीज है, जो दुर्गुण, हमने उसको पकड़ा है, अवशोषित किया है, और हमने उसके अंदर अच्छाई को नहीं देखा। इसका मतलब आपके अंदर निगेटिविटी है, क्यों? आप गलत चीज को पकड़ते हो। आप कहीं गए किसी के यहाँ भोजन करने के लिए, या कहीं दोस्त के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, कहीं भी, अपने घर में भी पत्नी ने भोजन बना कर लाया, या कहीं भोजन कर रहे हो, उसके अंदर जो चीज अच्छा है आपने उसकी बात नहीं करोगे, क्या बोलेंगे? नमक थोड़ा सब्जी में ज्यादा है। लेकिन नमक सब्जी में ज्यादा है, दाल अच्छी है, रोटी अच्छी है, चटनी अच्छी है, खीर अच्छी है, और कुछ अच्छा है, वो नहीं बोल सकते हम। ठीक है, दाल सब्जी कोई एक खाना खराब है, एक व्यंजन खराब है, बाकी तो बहुत अच्छे हैं ना, तो हम बाकी को पकड़ ले, उसको क्यों एक पकड़ रहे हैं? ये अगर आपके अंदर है तो आप नकारात्मक है। आप कहीं गए किसी के चरित्र को ही देख रहे हो, उसका चरित्र तो ऐसे है, हाँ भाई उसका चरित्र थोड़ा ठीक नहीं, लेकिन कुछ चीज तो ठीक होगी, हम उसको देख ले। हम कहीं गए किसी के घर में, उसके घर में एक कमी है, हाँ भाई वो कमी तो है लेकिन अच्छा भी तो कुछ होगा। यानी कि आप हमेशा निंदा चुगली में फंसे हो तो आपके अंदर निगेटिविटी है। आप घर पे गए अपने, अब आप अपने बच्चों में, पत्नी में, परिवार में कमी देख रहे हो। आजकल पति पत्नी में झगड़े के कारण ही केवल कमियां देखना, कमी देख रहे अच्छी बात है, लेकिन अच्छाई भी देखो ना। 100 कमी है लेकिन एक अच्छाई भी तो होगी, अच्छाई पकड़ो। अगर अच्छाई नहीं मिल रही आपको तो आप में निगेटिविटी है, आप नकारात्मक में। आप जो व्यक्ति से जा रहे, कोई व्यक्ति आपके अनुरूप नहीं है, आपको सबसे सब में कमियां दिख रही है, तो आप निगेटिव व्यक्ति हो। आप कहीं जा रहे हो, कोई स्त्री पुरुष कहीं बैठे, आपके मन में निगेटिव बातें आ जाए, कोई कहीं भी किसी भी विपरीत लिंग को लेकर के आपके मन में हमेशा निगेटिव बातें ही आए, आप उसको देखते गलत सोच रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप निगेटिविटी से घिरे पड़े हो, आप साधक नहीं बन सकते हो। हाँ, बनोगे तो उसकी आगे बात करें कैसे बन सकते हो। ये सब एक नकारात्मकता के प्रतीक है। जो व्यक्ति हमेशा मेरे से कुछ नहीं हो रहा, भगवान मेरे साथ गड़बड़ कर रहे हैं, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अरे भाई तू शाम कुल शरीर सा शरीर अच्छे से स्वस्थ से, इससे अच्छा क्या चाहिए? धन है, खाने को है, भोजन है, इससे अच्छा क्या चाहिए? नहीं। तो जो व्यक्ति हमेशा अपने में, अपने जीवन में कमी ढूंढता है, अपने आप में कमी ढूंढता रहता है, वो भी गलत बात है कि मैं दुखी हूं। हाँ, कमी ढूंढिए तो आप ढूंढिए कि मेरे अंदर गंदगी भरी पड़ी है, निंदा की, चुगली की, नकारात्मकता की, ये ढूंढो ना। हम ढूंढते हमारे जीवन में है क्या नहीं, हम उसी को ढूंढेंगे, जो है उसको नहीं पकड़ रहे हैं।
सुख सुविधा को ढूंढते हैं। इस प्रकार के अगर आपके अंदर है तो आप नकारात्मकता से घिरे पड़े हो। तो साधक को अगर आप साधना के चरम शिखर पर जाना है तो आपको अच्छा को पकड़ना है, जो आप में सकारात्मकता है उसको पकड़िए। आपका समर्पण आपकी साधना के प्रति होना चाहिए। आपको एक अनुभव हो रहा ना या नहीं अनुभव हो रहा है, तो आपको साधना से तो कुछ मिल रहा ना, मन की शांति मिल रही ना, बस उसी पर चलिए। हाँ, अगर आप अपनी नकारात्मकता से बाहर निकलना चाह रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप निरंतर ओम का जाप कीजिए। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट ओम का जाप कीजिए, आप बिल्कुल पॉजिटिविटी में आ जाओगे। लेकिन जब तक नहीं आ रहे हो तब तक तो आपको दिक्कत होगी, संभालना पड़ता है। कहीं जा रहे हो आप में, आप मुंह से बोल रहे हो बात को रुक जाओ, ये गलत बात है यार, मैं संकल्प लिया हूं कि मैं निगेटिव बात नहीं करूंगा, तो ध्यान करना चाहिए। तो आप धीरे 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 रे मना धीरे से सब हो, धीरे धीरे हटाते हटाते वो नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। प्रातः काल ओम का जाप कीजिए और सकारात्मक रहिए। जितना सकारात्मक रहेंगे उतना ही आपकी साधना को पंख लगेंगे। हमें विश्वास है दिव्य चर्चा समझ में आई होगी। समझ में आए तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।